महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 3 फरवरी इस डेट को उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में बीजेपी के जो एमएलए है गणपत गायकवाड़ वो पुलिस स्टेशन के अंदर ओपन फायरिंग करते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम वेयर अ शॉकिंग इंसिडेंट हैज नाउ कम टू द फोर। शिवसेना लीडर महेश गायकवाड़ वाज अलेजेडली शॉट बाय बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ एंड दिस टुक प्लेस इनसाइड अ पुलिस स्टेशन। शिफ्टिंग अवर फोकस नाउ टू सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन राइट नाउ टू महाराष्ट्र वेयर अ बीजेपी एमएलए गायकवाड़ अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर says he fired in self-defense। ये बंदूक निकालकर शिवसेना के जो नेता है उन पर फायरिंग करते हैं, जहां पर उन्हें 5 गोलियां लगती है और इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता है। अब देखिए हो क्या गया था। बीजेपी के जो एमएलए है गणपत, इनके साथ 7 और लोग थे। इनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस रजिस्टर हुई थी एट्रोसिटीज की। गणपत और उनके 7 लोग 31 जनवरी को एक दलित महिला को जाति पर गालियां देते हैं। ये क्राइम नंबर 1 है। इन पर पहले से ही 3-3 बार अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्जेस फाइल किए गए हैं और बाकी और भी है। और अटेम्प्ट टू मर्डर ये सीरियस नेचर का क्राइम होता है और इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं। मतलब ऐसा क्राइम जिसमें बेल जल्दी नहीं मिलती और मिल भी जाती है तो क्राइम का नेचर देखा जाता है। अब गणपत ने इसे सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला बोला है, लेकिन सीसीटीवी में शिवसेना का जो नेता है वो कहीं पर भी हमला करते हुए नहीं दिख। और ये जो बात है वो वहाँ के अधिकारी भी कहते हैं। वहाँ गाली गलौज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एकदम उधर देख रहे थे और उसके उनके ऊपर इन्होंने सीधा गोली चलाई है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिस महिला को इन्होंने जाति पर गालियां दी थी उसने भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत एफआईआर रजिस्टर की थी और ये भी सीरियस नेचर वाला क्राइम होता है। मोठ्या दादांवर जर हल्ला करू शकते, गरीबाला काय करू शकते? गरीबाला तो मारू शकतो ना। 3-3 बार अटेम्प्ट टू मर्डर, एट्रोसिटीज, पुलिस स्टेशन में गोली चलाना, इतने सारे क्राइम होने के बाद भी क्या गणपत जैसे लोगों पर कायदा लागू नहीं होता? क्या एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाती? खैर आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताइए।